So hey, what is up everybody, assalamualaikum, namaste, my name is Ashfaq Ujjah, welcome back to Open the YouTube channel, the AM Vlogs. So yes sir, today we are here at this cafe called Cafe Cravings. एकदम अलग सा नाम है बिकॉज यहाँ का सी इनका के है, तो इस सी के पीछे जो क्राज है, आई मीन जो राज है, वो हम जानेंगे कि क्या है, बिकॉज यहाँ के मेन्यू से लेके यहाँ के जो नाम है वो इनके सब के आगे लगता है के। तो कैफ़े क्रेविंग्स के यूनिकनेस के बारे में हम जानते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि इनके डिश में ऐसा क्या स्पेशल है, इनके कैफ़े में ऐसा क्या स्पेशल कैफ़े है इस टाउन में, उस सब कैफ़े से एक अलग कैफ़े बनाया। तो जाते हैं अंदर और देखते हैं कि इनके डिश में ऐसा क्या स्पेशल है और यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल मिलता है। जैसे कि मुझे पता है, जितना मुझे पता है, यहाँ पे मिलते हैं मोमोज, और ऐसी जगह पे मोमोज मिलना मतलब आप समझ लो कि रेगिस्तान में पानी का मिलना, तो कुछ ऐसा ही है ना, सुकून वाली चीज़, तो ऐसे ही कुछ है। तो अंदर चल के देखते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ पर। तो लेट्स गो। और एक बात, फूड वगैरह सब टेस्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे, जैसे हमें अच्छा लगेगा हम आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ के ओनर को भी अच्छा लगेगा। तो बस अगर हम बताएंगे अच्छा है तो अच्छा है, आप आना यहाँ पे, चलते हैं अंदर फिर। चलो अपने पहली डिश आ चुकी है, विच इज़ पास्ता, पास्ता अल्फ्रेडो, जो वाइट सॉस पास्ता था वो अपनी आ चुकी है। और तो पहले टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। फर्स्ट बाइट ऑफ पास्ता बहुत सही, लाइक एकदम क्रीमी, लाइक सॉल्ट अंदर जो भी उसके हर्ब्स हैं एकदम प्रॉपर क्वांटिटी से, लाइक रियली नाइस। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वास्को में एक तो पास्ता मिलता नहीं है, अगर ऐसा पास्ता मिलता है तो वो जैसे मैंने कहा रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर है। दिस इज सुकून सच्ची में। तो यस, अपनी सेकेंड डिश भी आ चुकी है जो कि है स्टीम मोमोज और टॉस्ट मोमोज। बेसिकली देखो, मोमोज यहाँ मिलना तो मुश्किल की बात है, और मिल रहा है तो जैसे मैंने कहा है आओ और झपट लो, क्योंकि ये खुश तो सब खुश, पहले इसको खुश करो बाकी अपने आप सब खुश हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक दो डिश खाए, दिस इज़ द थर्ड डिश, अब तक का मेरा सबसे फेवरेट डिश टॉस्ट मोमोज, बिकॉज मोमोज तो टेस्टी थे ही थे, साथ ही साथ जो सॉस है इट्स जस्ट शब्द नहीं निकल रहे हैं, समझा आप, एकदम बस आके खाओ यार और देखो, क्योंकि मैं बता नहीं सकता इतना टेस्टी सॉस है, आई स्वेयर अब तक का मेरा फेवरेट डिश है। अपनी अगली डिश भी आ चुकी है और यहाँ पे है तंदूरी प्लेटर, और लाइक दिस इज, बस इसको देख के पेट भर लो क्योंकि सही प्लेटिंग की, आप देखो प्लेटिंग क्या सही की है। जो चिली का फ्लेवर, ग्रीन चिली का फ्लेवर, कोरिएंडर, जो भी ग्रीन मसाला डाला है, लाइक वेरी नाइस, वेरी नाइस। इफ़ यू आर कमिंग हियर, अगर आप कबाब लेना चाहते हो तो एक एक करके कबाब बिल्कुल मत लेना, पूरा का पूरा प्लेटर लेना, क्योंकि ये प्लेटर बहुत काफ़ी है आपको सारे टेस्ट बर्ड को जगाने के लिए। टेस्ट बर्ड जगेंगे तभी भैया पेट के अंदर जो चूहे हैं वो बाहर भगेंगे। देखो, खाना पीना तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे इस कैफ़े के ओनर से, मिस्टर क्रेजी आशीष सोनार, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये के पीछे का राज क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा आज तक। जितने भी कैफ़े देखे वो स्टार्ट होते हैं सी से, ये पहला ऐसा कैफ़े मैंने देखा है जिसका के सब कुछ है, लाइक कैफ़े सी स्टार्ट होता है, क्रेविंग्स सी से स्टार्ट होता है, के है, और यहाँ पे आप अगर डिश देखो तो सब कुछ के से स्टार्ट होता है, क्रेविंग पास्ता, क्रेविंग चॉप सुई,
क्रेविंग स्पेशल डिलाइट। तो यस, हियर इज द होल एंड सोल एंड प्रोप्राइटर ऑफ दिस कैफे, कैफे क्रेविंग इज नन अदर देन मिस्टर क्रेजी। जैसे कैफे क्रेविंग, इनके नाम में भी क्रेजी आता है, हालांकि इनका नाम आशीष सोनार है, बट ये जाने जाते हैं क्रेजी नाम से बिकॉज ही इज रैपर। वैसे इतना इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग इन्हें भी जानते ही होंगे, बिकॉज वी नो ईच अदर सिंस वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। गुरु और शिष्य का रिश्ता है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू प्लेस, लाइक एकदम क्रेजी प्लेस है, जैसे कैफे क्रेविंग वैसे क्रेजी प्लेस है सच में। लाइक ये जो प्लेस बनाया, लाइक सच में बताऊँ, लाइक यंगस्टर्स को अट्रैक्ट बहुत, क्योंकि जो इंटीरियर है और यहाँ का जो फूड का टेस्ट है, बेसिकली मोमोज, वन ऑफ माई फेवरेट डिश, टॉस मोमोज, इट्स जस्ट लाइक ट्राई करो, मैं कुछ नहीं बता रहा। तो यस, पहली बात तो हम जानेंगे के पीछे का राज, व्हाट इज दिस, लाइक व्हाई कैफे क्रेविंग, व्हाई के, व्हाई नॉट सी। तो राज खोल दो, मतलब खोल दो राज। हाँ, खोलना पड़ेगा। ओके, सो एक बहुत बड़े बाबा है, ऐसा करना पड़ेगा, बाबा मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ। ओके, वो उनके भी बाबा हैं जो हमारे बहुत फेमस हुए थे, नाम क्या था, हिंदुस्तानी बाबू, उनके भी बाबा है वो। अच्छा, अगर आपको लग रहा है मैं ऐसे कुछ बोलूंगा तो ये गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअल बात है कि क्रेविंग होती है, तलब तो होती है। हाँ। तो ये दिमाग में था क्रेविंग, और जब मैंने स्टार्ट किया, मेरा नाम आशीष है राइट, और क्रेजी के पीछे भी बड़ा राज है। क्रेजी के पीछे भी जब मैं नाम दे रहा था, मेरा स्टेज नेम, मैं क्रेजी कैसे रखूँ, क्या चीज़ में रखूँ मेरा अगर नाम रहे, तो आशीष डांस अकेडमी, ए यूनिट क्रू, द आर्ट स्टूडियो, सबका इनिशियल ए है। तो इस बार भी अगर ऐसे कुछ करूँ तो कुछ अलग जाते हैं, तो आई कैप ए एज अ सेंटर एंड इट सेज क्रेजी, के आर ए जेड वाई, सो ए वॉज ऑलवेज अ इनिशियल। ओके, ये एक्चुअल फैक्ट बात है क्रेजी के, क्रेजी के लिए। ओके, सो क्रेजी का ये फैक्ट है। उसके अलावा क्रेविंग जब आया दिमाग में कि ऐसे ही कुछ करना है, कुछ अलग सा, सो पीपल कॉल इट एज कैफे, पीपल कॉल इट एज यू नो सी एफ ई कैफे। ओके, क्रेविंग सी आर ई वी आई एन जी एस, अगर मैं इसमें के भी डालूँ तो क्रेविंग सी है, लेकिन वो अलग हो जाएगा, देन पीपल विल सर्च फॉर के आर ए वी आई एन जी, तो मुझे वो मुझे पता चलेगा कि मेरे लिए सर्च कर रहे। That's what, वही हमने कहा था कि बहुत यूनिक नाम है, और उस यूनिक नाम के पीछे आप राज जान गए होंगे। और सी तो पसंद नहीं आता किसी को भी। अरे यहाँ पे सी तो बिल्कुल नहीं बनाया जाता, इसके लिए इट्स के, इट्स के, ट्रू। तो यहाँ पे इफ यू गो टू सी द मेन्यू, नो लाइक स्टार्टिंग का जो मेन्यू का उनका पेज है, वहाँ पे जो स्पेशल मेन्यू, वहाँ पे हर डिश के से स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक क्रेविंग पास्ता, क्रेविंग चॉप्स भी, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम के। तो के लाइफ में बहुत मायने रखता है। यस, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ डू यू अफोर्ड टू लाइक यू नो गिव सच अ रीजनेबल प्राइस विद सच अ गुड टेस्ट? मोटो इज द सेम, जो है हम बोलते आए यहाँ का कॉन्सेप्ट बनाने से पहले ही, आई वॉज क्लियर दैट मुझे क्लीन एटमोसफियर रखना है, क्लीन किचन रखना है, हाइजीनिक स्टाफ, ताकि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहे, प्रॉपर वेल ग्रूम्ड रहे, एंड वही रिजल्ट करेगा हेल्दी फूड के लिए। तो दैट वॉज अ कॉन्सेप्ट, एंड मैंने क्लियरली क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है सारी टीम को, अपनी टीम को बैठ, क्योंकि अगर कॉस्टिंग जा रहा है, अगर मेरी कॉस्टिंग 10 रुपये ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ने दो, बट गिव देम अ क्वालिटी स्टाफ, क्योंकि आई नो वही चीज़ क्वालिटी मैटर्स, यू नो। और अगर मार्केट सर्च भी करोगे तो एक कॉस्ट सेम मार्केट के हिसाब से, मतलब मार्केट में अगर वो रेट चालू है, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाइनीज़ जाऊँगा, क्योंकि चाइनीज़ बहुत फेमस है, मतलब कॉमन चीज़ है, तो चाइनीज़ अगर नूडल्स कहीं पे पर्टिकुलर अमाउंट का प्राइस है, इवन कैसे भी रेस्टोरेंट रहने दो, लो भी रहने दो, यू नो व्हाटएवर, अगर 120-130 जो भी प्राइस है, हम लोग ने वही पे फिक्स किया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये श्योर किया है कि क्वालिटी अच्छा मिले, मेरा कॉस्टिंग जाना है। ट्रू, मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे हर एक स्टाफ लाइक प्रॉपर एप्रन पहन के, और एक सबसे बढ़िया बात ना, उनके यहाँ पे दोस्त लिखा है, बिकॉज अब किसी भी कैफ़े जाओ, किसी भी होटल जाओ, अब मैं एक एज अ कस्टमर आता हूँ तो मैं एक वेटर को कैसे बुलाऊँगा, दोस्त,
तो वो एक नाम ही है, एक टैग है दोस्त यहाँ पे, लाइक उनको भी अच्छा लगेगा. एक इट्स काइंड ऑफ अ टैग. उनके देखना एप्रन पे दोस्त वगैरह लिखा है, तो रियली नाइस थिंग. लाइक सबसे यूनिक आप कह सकते हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पूरे वास्को में, कैसे वास्को में लाइक पूरे टाउन में ऐसा कैफे मैंने आज तक नहीं देखा. आई स्वेयर, बीइंग अ स्मॉल कॉम्पैक्ट मिनी फास्ट फूड कैफे, वी हैव इंडियन, वी आर सर्विंग चाइनीज, वी आर सर्विंग तंदूर, वी आर सर्विंग कॉन्टिनेंटल, लाइक स्टेक्स इज अवेलेबल, एंड वी हैव चाइनीज, वी हैव मोमोज एंड स्टफ, सो एवरीथिंग इज राइट देयर. सो आप बस आओ और अच्छे से खाओ, स्पेंड योर नाइस इवनिंग एंड एन्जॉय द म्यूजिक. बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते रहेगा, एन्जॉय द म्यूजिक. हैव योर लाइक, इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन प्लान, यू हैव टू प्लान वंस अ वीक. Daily, you can come daily because it is a cafe where you can come daily, relax, and aisa nahi hai ki bahut zyada, it's the cost is very reasonable, very much reasonable. Wahi to main keh raha hu, how do you afford, like matlab itne clean place pe itna hygiene food, itna tasty food, aur rates wahi jo aapko market mein milta hai. Aur not only this, main ek ek karke sare staff se aapko milata hu. Aap sab staff se milna kyunki sabka introduction जरूरी है. तो यस, तो यस इनसे मिलेगा. ये है इस कैफे के मैनेजर जो कि लाइक मैनेज करते हैं सब कुछ, सुबह से लेके शाम तक, क्लोजिंग से लेके क्लीनलीनेस तक सब कुछ मैनेज करते हैं वो है ये. इनका नाम है प्रेम. तो प्रेम, आप यहाँ पे करीबन कितने महीनों से काम कर रहे हैं? एक मंथ अभी स्टार्ट हुआ, एक फर्स्ट 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी एक महीने हो गया. 26 दिसंबर से ही इज वर्किंग हियर. और आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? लाइक मुझे यहाँ पे तो मैं सर के सर, मैं ऑलरेडी बहुत सारे एक रेस्टोरेंट में कर चुका हूँ काम, और यहाँ पे भी मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, तो पहले भी ये काम कर चुके हैं सर के साथ, तो इनके लिए ये होता है ना कि जो भी सर के साथ काम करता है वो कभी भूलते नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट अलग ही होता है, वाइब्स अलग ही होता है, सच बता रहा हूँ. यस, अपने नेक्स्ट दोस्त हैं वो है मिलन, जिन्होंने भी हमें तंदूरी प्लेटर पेश किया था वो है ये. मतलब आपके हाथ हम काट सकते हैं अभी चाहिए तो, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि उनको भी टेस्ट करना है. साथ में विष्णु भी है, उनको भी टेस्ट करना है, इसलिए हम हाथ नहीं काटेंगे. तो मिलन, कहाँ से आओ? मैं नेपाल से. नेपाल से हो? कस तो चाहो एकदम राम रचाओ. अरे हमें भी आती है थोड़ी बहुत नेपाली, इससे ज़्यादा नहीं आती, बाकी आती है लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि वो गाली है. अब हम मिलते हैं इस कैफे के, जो होता है ना वो जैसे शाहजहां ने हाथ काटे थे कारीगर के, वैसे ही कारीगर यहाँ पे तलवारें तैयार हैं और हम शेफ को बुला रहे हैं. शेफ आ जाओ. आपका नाम? आशीष. आशीष, अच्छा ये ए स्क्वायर इसीलिए हम कहते हैं, एक है डांस और रैप इंडस्ट्री में बेटर और एक है फूड इंडस्ट्री में बेटर. तो आशीष नाम के बंदे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो भी काम करता है ना उसमें चार चांद जरूर लगाते हैं. लिख के लेना, जो भी आशीष है वो देख रहा होगा, वो फटक से कमेंट करके बताना कि हाँ सच है कि नहीं. तो शेफ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपने जो भी बनाया स्पेशली तंदूरी मोमोज, हाथ दो आपके, हाथ दो तलवार की तरह इन हाथों में कुछ अलग जाते. लाइक वो होता है ना कि खाने में ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो या फिर थोड़ा सा नमक कम हो तो आपका पूरा जितना भी आप अपना इमेज बनाते हो ना वो इमेज ख़राब कर देता है. लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाइक सब कुछ ऑन पॉइंट, सब कुछ परफेक्ट, नमक से लेके सब कुछ, एवरीथिंग ऑन पॉइंट. तो शेफ बहुत सही था. आप पहले और कहीं काम कर चुके हो? कहाँ पे? गोवा में काम कर, इसलिए वो गोवन के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अच्छे से पहचान गए. तो इनसे मिलेगा, ये है यहाँ के असिस्टेंट कुक जो मिलन को मिले हैं और आशीष सर को भी मिले हैं, और इनका नाम है विष्णु जी. विष्णु कहाँ से हो आप? हम बंगाल से. बंगाल से हो? क्या मना चो बालो खूब बालो अच्छे. हमको थोड़ी बहुत बंगाली भी आती है भैया, क्योंकि हम सीख चुके हैं ये सब भाषा हम सीख चुके हैं. बालो चो बालो तुम्ही तंदूर खूब भालो कोची खूब भालो कोची. हाँ ওখানে পাওয়া যাবে, রুটি পাওয়া যাবে, মাংস পাওয়া যাবে, অনেক চিজ আছে. अब ये सब चला गया सर के ऊपर से. जितना मुझे आता था मैंने बताया, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा बनाते हो,
बहुत अच्छा बनाते हैं। तो यस दैट्स इट, आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा। बिकॉज देखो हमें हम अपना कैसा है, अगर अपन को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो हम ज़रूर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पसंद है तो आपको भी पसंद आ जाएगी। अगर आपको पसंद आ जाएगी चीज़ तो जिसने भी ये बिजनेस ओपन किया उसको बहुत बड़ा एक हेल्प होगा, लाइक एक AMV के फैम की तरफ से ना, एक आप कह सकते हो कि एक ऐसा ना एक सपोर्ट, तो वो सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर टेस्ट अच्छा नहीं तो मेरे को बता देना। आप मेरा पेज मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का टेस्ट सच में लाजवाब। स्पेशली टॉस मोमोज, टॉस मोमोज का नाम मैं करीबन 10 बार तो ले चुका हूँ, क्योंकि है यार बहुत सही है। आओ यहाँ पे मोमोज खाओ और कुछ जान जाओ। तो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में बताना ऐसे आपको फूड ब्लॉग और देखने हो तो। और यहाँ का लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो उस पर क्लिक करना, जैसे मैप पे पहुँच जाओगे और बस यहाँ पे पहुँच जाना, बस आपके लाइफ के आधे घंटे दे देना और आप खुश हो जाओगे, हमें थैंक यू कहोगे, इस कैफे को थैंक यू कहोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस, सी यू सून इन द नेक्स्ट, टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।